हूँ आपके साथ शैलेंद्र पांडे। वैसे तो साल की हर एकादशी अपने आप में महत्वपूर्ण होती है, लेकिन सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है देवोत्थान एकादशी। ऐसा मानते हैं कि देवोत्थान एकादशी पर भगवान विष्णु श्री हरि योग निद्रा से जग जाते हैं और सृष्टि में प्रकृति में आनंद की वर्षा होती है। आज बात इसी देवोत्थान एकादशी की करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि देवोत्थान एकादशी है क्या और इसका महत्व क्या है। देखिए, ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी पर 4 महीने के लिए सो जाते हैं या योग निद्रा में लीन हो जाते हैं। फिर पुनः कार्तिक शुक्ल एकादशी को योग निद्रा से जगते हैं। इन 4 महीनों में देव शयन होने की वजह से समस्त मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं, नहीं किए जाते हैं। जब देव यानी भगवान विष्णु जगते हैं तभी कोई मांगलिक कार्य संपन्न होता है और तभी कोई मांगलिक कार्य किया जाता है। देव जागरण होने की वजह से या देव उत्थान होने की वजह से इसको देवोत्थान एकादशी कहते हैं और इस दिन उपवास रखने का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन उपवास रख के पूजा उपासना आराधना करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब ये जानते हैं कि तुलसी विवाह क्या होता है। देवोत्थान एकादशी के साथ इसको भी जोड़ते हैं। आखिर ये तुलसी विवाह क्या है और इसका महत्व क्या है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु को तुलसी से विवाह करने की वजह से, वरण करने की वजह से शालिग्राम का स्वरूप लेना पड़ा था, इसीलिए शालिग्राम के रूप में ही भगवान विष्णु का विवाह तुलसी के साथ कराया जाता है। भगवान विष्णु को तुलसी सर्वाधिक प्रिय है, ऐसा मानते हैं। केवल तुलसी दल समर्पित करने से भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। इसके पीछे प्रकृति के संरक्षण की भावना भी है और वैवाहिक सुख की भावना भी है। जो लोग तुलसी विवाह संपन्न कराते हैं या तुलसी विवाह में शामिल होते हैं उनको वैवाहिक सुख आसानी से प्राप्त होता है। अब ये जानते हैं कि देवोत्थान एकादशी पर व्रत रखने के नियम आखिर क्या हैं, क्या सिस्टम है। देखिए, निर्जल या केवल जल पीकर लिक्विड डाइट पर उपवास रखना चाहिए। अगर रोगी हैं, वृद्ध हैं, बालक हैं या बहुत व्यस्त रहते हैं तो केवल एक वेला का उपवास रखिए। दिन में खाना मत खाइए, शाम को खाइए। और अगर ये भी संभव न हो तो चावल और नमक खाने से परहेज करना चाहिए। भगवान विष्णु या अपने इष्ट देव की उपासना करें। तामसिक आहार प्याज लहसुन मांस मदिरा बासी भोजन ये बिल्कुल ना खाएं। देवोत्थान एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का अधिक से अधिक जप करना फायदेमंद होता है। अब जानते हैं कि देवोत्थान एकादशी का पूजा विधान क्या है। गन्ने का एक मंडप बनाएं और बीचों बीच में चौक बनाएं। चौक के मध्य में अगर चाहें तो भगवान विष्णु का चित्र या उनकी मूर्ति रखें। चौक के साथ ही भगवान के चरण चिन्ह बनाए जाते हैं और भगवान के चरण चिन्हों को ढक दिया जाता है। भगवान को गन्ना सिंघाड़ा और फल मिठाई का भोग लगाया जाता है। घी का एक दीपक जलाया जाता है जो कि रात भर जलता रहता है। जब रात बीत जाए, भोर का समय हो, तो भगवान के चरणों की विधिवत पूजा करें और चरणों को स्पर्श करके उन्हें जगाएं। शंख घंटा और कीर्तन की ध्वनि करना भी बहुत शुभ होगा और इसके बाद व्रत उपवास की कथा सुनें और इसके बाद से सारे मंगल कार्य आप विधिवत शुरू कर सकते हैं। भगवान के चरणों का स्पर्श करके जो भी मनोकामना कही जाती है वो मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होती है, ऐसा माना जाता है। अब ये जानते हैं कि देवोत्थान एकादशी पर शीघ्र विवाह के लिए क्या उपाय करें। लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करें।
शालिग्राम को स्नान करके कराके उनको चंदन लगाएं, उनको पीले रंग के आसन पर बिठाएं, फिर तुलसी को अपने हाथों से उनको समर्पित करें और प्रार्थना करें कि आपका विवाह जल्दी हो जाए, आपका विवाह जल्दी से जल्दी हो जाएगा। अब ये जानते हैं कि अगर वैवाहिक जीवन में बाधा आ रही है तो क्या उपाय करेंगे। संपूर्ण श्रृंगार करिए, महिलाओं के लिए खास तौर से पीले वस्त्र धारण करिए, शालिग्राम के साथ तुलसी का गठबंधन कीजिए। शालिग्राम पर पीला कपड़ा रखिए, तुलसी पर लाल कपड़ा रखिए और दोनों की गांठ हाथ में लगा लीजिए, दोनों की गांठ। इसके बाद हाथ में जल लेकर एक लोटे में तुलसी की 9 बार परिक्रमा कीजिए। बांधी हुई गांठ के साथ उस वस्त्र को हमेशा अपने पास रखिए, आपका वैवाहिक जीवन बेहतर होगा।